श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति ने राष्ट्रपति के आने पर स्वागत सत्कार में दान राशि से 90 लाख रुपए खर्च किए। कांग्रेस ने मामले में एएसपी को ज्ञापन देकर एफआईआर करने की मांग की है। कहा है कि अगर 3 दिन में केस नहीं होता है तो आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति सितंबर में आई थी। विधायक महेश परमार ने विधानसभा में महाकाल मंदिर में राष्ट्रपति के आगमन पर खर्च की गई दान राशि का हिसाब मांगा था। विधानसभा में राष्ट्रपति के महाकाल मंदिर आगमन पर स्वागत सत्कार और सजावट पर करीब 90 लाख रुपए खर्च करने की जानकारी दी गई। विधानसभा पटल से मिली जानकारी के आधार पर ही मंगलवार को कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा, विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, जिलाध्यक्ष कमल पटेल, पार्षद रवि राय, विवेक यादव, देवव्रत यादव, बबलू खिंची, गीता यादव सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एएसपी इंद्रजीत बाकलवाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने एएसपी बाकलवाल से कहा है कि विधानसभा से मिले सरकारी दस्तावेज खुद प्रमाणित हैं। इस आधार पर निष्पक्ष होकर भगवान महाकाल के नाम पर हजारों श्रद्धालुओं द्वारा की गई धनराशि के दुरुपयोग के मामले में दोषी व्यक्तियों पर प्रकरण दर्ज करें। कांग्रेस नेताओं ने प्रकरण दर्ज करने के लिए 3 दिन का समय पुलिस प्रशासन को दिया है। कहा कि 3 दिन में प्रकरण दर्ज नहीं किया तो कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया जाएगा। हमने खर्च किए हैं महामहिम का। हमारा कहना है कि आप जो दान दाता है वो दान दे रहे हैं, उनकी श्रद्धा आस्था भगवान महाकाल के मंदिर का विकास हो, श्रद्धालुओं को उनको सुविधा मिले। 90 लाख रुपए ट्रस्ट ने महामहिम जी की यात्रा में खर्च किए हैं और ये विधानसभा में सरकार ने स्वीकारा है, तो ये पूरी तरह मामला अमानत में खयानत का मामला है और आईपीसी के सेक्शन 406 और 409 के तहत एक प्रमाणिक अपराध है। तो हमने एडिशनल एसपी साहब से प्रार्थना की है कि ये डॉक्यूमेंट्स की जांच करने की कोई जरूरत नहीं हो कि सरकार के डॉक्यूमेंट्स हैं, जब सरकार के विधानसभा के उत्तर को ही हमने माननीय एडिशनल एसपी साहब को दिया है। ट्रस्ट के दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888599 पर।